चलो मिल लो, उसके बाद बात करते हैं। मिल लो बात वीडियो पर। ये भी कभी सोचा नहीं सर। अभी हम बयान दर्ज करके कराने के लिए बुलाया गया था, मुझे लेटर के माध्यम से सूचना मिली थी। और सर मैं अभी कमेटी से कुछ समय मांगा और अब मैंने अभी कमेटी के पास यही प्रस्ताव रखा कि हमें थोड़ा सा और समय। कमेटी की तरफ से क्या बातें कही गई हैं आपसे, क्या क्या सर जो भी सर हमने एप्लीकेशन दिया था उसी पर मुझे बुलाया गया था और मैंने कमेटी से यही जाके कहा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के माध्यम से दिया है कि मुझे थोड़ा सा और समय। जो डायरी की बात आप लगातार कर रहे थे, जो एलिगेशन आपने लगाए हैं उसी से संबंधित जी सर साक्ष्य मांगे गए हैं जी जी। कब तक उपलब्ध कराने को लेकर के आपकी तरफ से बातें की? हमने कहा सर थोड़ा इधर भी देखिए, इधर 28 तारीख को। कितने दिनों का समय? 28 तारीख को। आलोक जी ये बताइए कि आपको जान का खतरा है क्या? नहीं नहीं सर अभी ऐसा नहीं है सर, कोई ऐसा जान का खतरा नहीं है। नहीं नहीं सर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है सर। देखिए जहाँ भी हमने जो भी शिकायत की है सर जांच हो रही है और सर मैंने अभी थोड़ा कमेटी सर जो लाल डायरी आपने दी है जिसमें तमाम चीज़ें रखी गई हैं, क्या है उसमें, किस तरीके के लिए? अब सर वो मैं कमेटी के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो जो प्राइमरी चीज़ें हो जो पॉसिबल, अब सर मैं पूरा भी डिटेल उसका मैं इसीलिए मैं समय लिया, इसीलिए सर मैं किस तरीके के एलिगेशन सर मैं थोड़ा सा समय लिया हूँ और सर मैं देने के बाद। आप कल भी आए थे यहाँ लोगों जी सर? आप कल भी आए थे? कल शाम को सर मैं आया था। समय कब तक के लिए मिला है? ज्योति बोरी अनऑफिशियली यहाँ आई थी और जो जांच अधिकारी उनके कमरे में 4 घंटे बैठी रही, आपको नहीं लगा कि मैनेज कर रही? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं तो जब सर मुझे बस मैं देखने आया था कि कहाँ बुलाया गया, तो मैं यहीं बात तक आया था और फिर चला गया। तो लाल डायरी आपने आज प्रस्तुत की कमेटी के सामने? सर मैं भी समय मांगा हूँ। अच्छा ये बताइए जो आपने साक्ष्य दिए हैं जी सर, आपको लगता है कि वो साक्ष्य बहुत प्रमाणिक हैं? सर मैं इसीलिए सर समय मांगा हूँ कि थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए। और किस तरीके के वो साक्ष्य मांगे गए हैं क्या सर? जो जो मैंने एलिगेशन लगाए हैं उसी क्रम में मुझे जी सर, तो मैं सर उसका समय लेकर थोड़ा सा। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत? आज आलोक कुमार मौर्या को यहाँ पर बयान के लिए बुलाया गया था। वे कमेटी के सामने उपस्थित हुए, उनके द्वारा 20 दिन का समय मांगा गया है, 28 अगस्त का समय निर्धारित किया गया है। सर जांच जो सौंपी गई थी, क्या जांच का दायरा का आज पहला दिन था जिसे आलोक मौर्या को बुलाया गया था? आलोक मौर्या को उनकी शिकायत के संदर्भ में यह तस्दीक करने के लिए बुलाया गया था कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई है वो कहाँ तक सत्य है, उसके संबंध में उनके पास क्या साक्ष्य हैं, क्या साक्ष्य देने हैं और उनका बयान लेना था। पहले आलोक कुमार मौर्या का बयान हो जाएगा, उसके बाद ज्योति मौर्या को बुलाया जाएगा। अच्छा आलोक मौर्या की तरफ से क्या क्या बयान? नहीं अभी आलोक कुमार मौर्या द्वारा कोई बात नहीं कही गई है, अभी सिर्फ उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दे करके 20 दिन का समय मांगा गया है।